ऐसा है कि जो जनरेशन ये है जो बिहार से माइग्रेट होकर निकल चुकी है, हम्म, उसका बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं हो रहा था, आप वो वीडियो डाल डाल के फिर से कनेक्ट करा दी। तो ये भी सवाल उठता है कि क्या गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जो दूसरे माननीय का निकाला गया उसके बारे में तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि ये जो रिमोट वाला क्या था, वो क्या था वो। नहीं, वो गाना है तुहार लहंगा उठा दे रिमोट से। अच्छा, एक और चीज आप लोग बताइएगा और आप भी बताइएगा, जितने सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं जनता से ये पूछना चाहती हूँ, जो व्यक्ति ये बात करता है इस गाने पे, प्रॉपर रवि किशन जी एक्टिंग भी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं कि तौल देव हम तोहरा के नोट से, नोटों की गड्डी दिखा करके नाच रहे हैं महाराज। ये हमारे सांसद हैं, ऐसे लोगों की जगह संसद है। मनोरंजन तक तो ये लोग जो कर रहे थे, भोजपुरी इंडस्ट्री को गंधवा रहे थे, वहां तक तो फिर भी माफ किया जा सकता था। माफ तो खैर इन लोगों को कभी भी नहीं किया जा सकता था मेरे द्वारा, पर उतना जनता नोटिस नहीं कर रही थी कि है कोई गवैया टाइप का कर रहा है अपना। लेकिन बात, सवाल भाजपा से भी इसलिए उठने लग जाती है जब भाजपा ऐसे लोगों को प्रमोट करती है, भोजपुरी भाषा को बदनाम कर, मतलब दुनिया भर में अपमान करने वाले लोगों को भाजपा जब टिकट दे करके सम्मान देती है, तो सवाल भाजपा से भी होता है कि आपने भोजपुरी को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है क्या भाई? एक से बढ़ के एक गंदे गायक आ रहे हैं, उनको आप टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये सवाल मेरा है और मैं चाहती हूं कि पूर्वांचल का हर व्यक्ति ये सवाल करे कि ऐसे लोग संसद में नहीं जाने चाहिए। जहां इनका अपना रोजगार और काम धाम चल रहा है वहां करें, संसद में तो बिल्कुल नहीं। और भाजपा इसमें ठीक ठाक जिम्मेदार है क्योंकि वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। तो कुछ कुछ आप जैसा जिस चीज को आप बचाने निकली हैं नेहा जी, उसी के बचाव में क्या आप दो पंक्तियां या चार पंक्तियां इसी बात को बता सकती हैं, उसी उसी लहजे में उसी संगीत में बता सकती हैं, एक बेहतर जो प्लेटफॉर्म आप देना चाह रही हैं भोजपुरी को? बिल्कुल, मैं बता सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ आपको कि भोजपुरी में, भोजपुरी का जो क्या बोलेंगे बैकग्राउंड रहा है, आप जानते होंगे भिखारी ठाकुर जी विदेशिया लिखते हैं, महेंद्र मिसिर जी के इतने अंगूरी में डसले बिया नगीनिया रे, अंग्रेजी शासन से सवाल करते हुए भोजपुरी के गीत, भोजपुरी डरा है, भोजपुरी प्रतिरोध का स्वर है। भोजपुरी में नेहा सिंह राठौर ने गीत लिखा, यूपी में काबा तो बाबा ने नोटिस भिजवा दिया, एमपी में काबा लिखा तो मामा जी ने चार चार FIR दर्ज करा दिया। भोजपुरी भाषा में रोजगार के गीत हो सकते थे, मैं बताती हूँ मैंने गीत लिखे हैं। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, माफ करिएगा आवाज थोड़ा मेरा साथ नहीं दे कोई रहा है। बात नहीं, बढ़िया है। अरे भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। अरे उमर अधियाई भइल जवानिया बेकार, नौकरी कहिया मिली किया ही दादा कहिया मिली, दूलरुआ बबुआ भइले भार, नौकरी कहिया मिली। अरे पढ़त पढ़त झारी गईले चानी पर के बार, नौकरी कहिया मिली, नवाहा पीटेले का पार, नौकरी कहिया मिली। ये गीत भी तो हो सकता था लेकिन गाया क्या गया?